हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ द चैप्टर. चैप्टर नेम इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 8. एंड टुडे वी विल डू द टॉपिक. टॉपिक नेम इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का शुरू होना, आउटब्रेक होना. तो किस प्रकार से ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इस पैराग्राफ में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. अभी तक प्यारे बच्चों, हमने जो इस चैप्टर में चर्चा की है, तो सबसे पहले तो हमने फ्रांस की स्थिति, फ्रांस के बारे में जानना शुरू किया है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, उसमें फ्रांस को कौन रूल कर रहा था. तो आप सभी को पता है कि लुई 16 था. और जब लुई 16 व्हेन ही वाज असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ द फ्रांस, ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी. और एम्प्टी ट्रेजरी के पीछे क्या कारण थे, तीन कारण हमने इसमें डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था. यदि आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर को आप सुने. और उसके बाद फिर हमें पता है कि फ्रांस उसके बाद जो है, हमने फ्रांस की सोशल कंडीशंस के ऊपर जो है वो चर्चा की थी कि किस प्रकार से फ्रेंच सोसाइटी उसमें वटी हुई थी थ्री स्टेट्स में. और थर्ड स्टेट्स के से ही जो है वो टैक्स जो है वो लिया जाता था. और राज्यों के खर्चों को चलाने के लिए लुई 16 को अब जो है वो टैक्स इंक्रीज करना था. टैक्स भी दो प्रकार के थे, टिड्स और टेल. टिड्स जो है वो चर्च के नाम पे जो है वो चार्ज होता था, और टेल जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि लिया जाता था. तो इस प्रकार से उसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. तो ये बात हमने की थी. और उसके बाद हमने बात किया था कि किस प्रकार से टिल 1789 किस प्रकार से फ्रांस की जो है वो जनसंख्या बढ़ गई थी, जो कि कभी 23 मिलियन हुआ करती थी इन 1715, उस दौर में वो 28 मिलियन तक जो है वो पहुंच गई थी. एम्प्लॉयमेंट जो के नाम पे जो वेजिस थी लोगों की वो फिक्स थी, लेकिन वहीं पर जो वस्तुओं के दाम थे जो थे वो बढ़ रहे थे. और वेजिस जो हैं वो उच्च बढ़ती हुई महंगाई के साथ जो है वो वेजिस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. ठीक है जी. तो ये हमने बात की थी. और हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक सबसिस्टेंस क्राइसिस, मैंने आपको बताया था कि जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आपके सामने समस्या हो जाती है तो उसको ये हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं. तो ऐसा ओल्ड रिजीम जो 1789 से पहले का वक्त था, उसमें जो है ये सारा कुछ देखा गया. अब उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ये ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, जिसमें हमने रोल ऑफ द फिलोसफर्स की बात की थी. लेकिन उससे पहले हमने जाना था कि किस प्रकार से जो थर्ड स्टेट्स के जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने अधिकारों के लिए चर्चाएं करना शुरू कर दिया. और एक नए सिस्टम, क्योंकि राजा के उस रूल से हर कोई जो है वो क्या था, पीड़ित था, कोई खुश नहीं था, लोगों के सामने समस्याएं थी और उनका उनको सोल्यूशन नहीं दिख रहा था. और थर्ड स्टेट्स के जो पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया और इस मानसिकता को बदलने का काम करता है उस समय के यूरोपियन फिलोसफर्स, जिनकी फिलोसफी को लोगों ने पढ़ा और फिर वो आम लोगों के चर्चाओं का विषय बनी. और वो अब सिस्टम में एक चेंज लेकर आना चाहते थे. अब स्थिति ये है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा कि हम वहां पर पहुंच गए हैं. अब इस सारी डिस्कशन को कनेक्ट करेंगे आप उस पॉइंट से कि राजा को क्या करना पड़ना है, टैक्स इंक्रीज. ठीक है ना, राजा अब टैक्स लगाएगा. तो टैक्स लगाएगा तो इस टैक्स लगाने की क्या व्यवस्था थी, किस क्या उस टैक्स को लगाने के लिए क्या सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था, ये सारा आज हम इस चर्चा में शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो टॉपिक नेम इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, पॉइंट टू. राइट, देखिए कहता, लुईस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. In France of the old regime, the monarch did not have power to impose taxes according to his will alone. Will का मतलब यहाँ पर इच्छा से है, ठीक है? Rather, he had to call a meeting of state generals, which would then
पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, नोट डाउन दिस लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं इसको। द स्टेट जनरल वॉज अ पोलिटिकल बॉडी। अब स्टेट जनरल क्या था, कौन थे स्टेट जनरल, ये भी नोट कर लें। एक पॉलिटिकल बॉडी थी टू विच द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी। हाउएवर द मोनार्क एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी एंड द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, ठीक है। तो अब क्या था कि टैक्स लगाना मजबूरी हो गई थी, राजा को ऐसा करना पड़ना था, लेकिन इसमें लिखा है कि राजा जो है वो अपनी पहली लाइन जो आपने ऊपर पढ़ी, इसमें क्या लिखा है कि फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज बिल लॉ, कि राजा अपनी इच्छा से, है ना, बिल मींस इच्छा, अपनी इच्छा से जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता था, बल्कि ऐसा करने के लिए रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी स्टेट जनरल्स की, और वो उसका प्रपोजल पास करते कि नए टैक्सेस किस प्रकार से होंगे, ठीक है। स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट्स के जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, ठीक है ना। स्टेट जनरल बोला गया अब इसके लिए, मतलब एक एक समझ लो एक ग्रुप ही है, एक असेंबली ही है। और हाउएवर द मोनार्क, लेकिन इसमें यह था कि टैक्स तो नहीं लगा सकता था वो अपनी इच्छा से, लेकिन हाँ मीटिंग कब बुलानी है इसके लिए जो है वो वहां का जो राजा है वो उस डिसीजन को ले सकता था। और पहले जो इससे पहले ऐसी मीटिंग हुई थी वो 1640 में हुई थी, ठीक है ना। तो बहुत पहले हुआ था ऐसी व्यवस्था टैक्सों की, और वैसी ही व्यवस्थाएं चलती आ रही थी फ्रांस के अंदर, बूर्बों वंश के राजा जो है वो रूल करते आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये मीटिंग कब बुलाई गई, ये डेट आ रही है, नोट डाउन दिस लाइन। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इस डेट को 5 मई 1789 को, ठीक है ना, 5 मई 1789 को लुई 16 ने जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया ताकि वो न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास कर सके। और उसके लिए अब क्या हुआ, महल जो था, मैं थोड़ा सा बता दूं कि महल के अंदर व्यवस्था हुई, ठीक है। और ए रिस्प्लेंडेड हॉल इन द वर्साय वॉज प्रिपेयर टू होस्ट दी डेलीगेट, जो भी वो शिष्टमंडल आ रहे थे, जो भी वो डेलीगेट, जो वो मेंबर आ रहे थे, उनके लिए एक बड़ा ही शानदार चमकीला, आप समझ सकते हैं, स्प्लेंडेड हॉल जहां लाइटें हो, फुल ऑफ लाइट्स, ब्राइटनेस हो, ऐसा हॉल जो है वर्साय महल का जो है तैयार किया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, नोट डाउन दिस लाइन, बहुत ध्यान से सुनना, ईच लिखा है, मतलब 300 मेंबर फर्स्ट ने और तीसरे ही मेंबर सेकंड स्टेट ने भेजे थे, हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर इन टू साइड्स, जो कि चेयर बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ मुंह करके, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं वैसा ही सीन समझ लो। व्हाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, अब थर्ड स्टेट से भी मेंबर्स थे क्योंकि बड़ा तो ग्रुप था, लेकिन यहां से मेंबर कितने थे, 600 ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, लेकिन उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उनको पीछे खड़ा होना पड़ रहा था, मतलब वो पीछे खड़े थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर, हालांकि इस थर्ड स्टेट्स के जो भी मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट्स के जो धनी लोग थे या एजुकेटेड लोग थे, ऐसे लोग उस मीटिंग में शामिल थे, बींग ए रिप्रेजेंटेटिव देयर, ठीक है। मेंबर्स कितने थे, 300 फ्रॉम फर्स्ट, 300 ही फ्रॉम सेकेंड स्टेट्स, ठीक है, क्लर्जी नोबिलिटी, और थर्ड इसे से 600। अब उसमें भी थर्ड में भी प्रॉस्पर्स और एजुकेटेड मेंबर शामिल थे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, कहता पीजेंट्स आर्टिसंस एंड बीमेंस वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स आर्टिसंस और महिलाओं की एंट्री के ऊपर मनाही थी। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड बॉट ब्राउट विद देम, हालांकि उनके जो भी दुखड़े थे, उनकी जो भी डिमांड्स थी, उनको सूचीबद्ध किया हुआ था, उनकी लिस्ट बनाई हुई थी, और ऐसी लिस्ट बनाकर कितने लेटर बन गए थे, 40,000, ठीक है ना। और ऐसे उनके ये जो भी ग्रीवियंसेस थे या डिमांड्स के रूपी ये जो लेटर थे, उनको लेकर ये रिप्रेजेंटेटिव्स उस
रेस्प्लेंडेंट हॉल में पहुंचे थे। अब आगे देखिए, कहता वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। वोटिंग जो होती थी, जो इस स्टेट्स जनरल्स की जो वोटिंग थी, वो आज दिन तक, मतलब अभी तक इतिहास में एक सिद्धांत के ऊपर थी। क्या? कि हर स्टेट का, दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, कि हर स्टेट को एक वोट था, मेंबर भले कितने हो स्टेट के हिसाब से वोट था। अब आप समझ लो कि फर्स्ट स्टेट्स को भी बाय बर्थ मिले हुए थे प्रिविलेजेस, सेकंड को भी, तो एक एक वोट, और तीसरा वोट थर्ड स्टेट्स का, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी, और उन्होंने इसमें राजा की हां में हां ही करनी थी, जाहिर सी बात है, तो तकलीफ तो आनी थी थर्ड स्टेट्स को। लेकिन वही बात अब यहां पे आएगी, आप यहां पे समझिए, दैट दिस टाइम टू लुईस 16 वो डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस समय भी लुईस 16 यही इसी चीज को दोहराने के लिए मतलब बैठा हुआ था, डिटरमिन्ड था, उसने सोच बनाई हुई थी अपनी। बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज ए होल। लेकिन उन्होंने बोला कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी, जितनी भी असेंबली है ना, सारे अपने मतलब सभी को मिला के वोटिंग होगी, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, और इस असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका हर आदमी का एक वोट होगा, यानी कि स्टेट के हिसाब से एक एक वोट होगा, हर मेंबर जितने भी हैं वो उस हिसाब से हर आदमी का एक वोट होगा और उस हिसाब से वोटिंग होगी। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये एक क्या था, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसको जो है फॉरवर्ड या जिसको लेकर आया था रूसो अपनी फिलॉसफी में, और उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ऐसी व्यवस्था का उसने जिक्र किया था कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए और इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वोटिंग की। तो मैंने इसके फिलोसफर के बारे में, इसकी बुक के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है, आप यहां पर भी नोट कर लें। अब जब ये डिमांड थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स द्वारा उठाई गई उस असेंबली में, तो क्या हुआ, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो राजा ने वो रिजेक्ट कर दिया, वो प्रपोजल, वो प्रस्ताव राजा ने रिजेक्ट कर दिया। और व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली हॉल इन प्रोटेस्ट। तो जो तीसरी स्टेट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो है वो असेंबली हॉल को छोड़ दिया, किसमें, इन प्रोटेस्ट, विरोध में। उन्होंने कहा कि यदि आप इस प्रपोजल को नहीं मानते हो, राजा ने वो नहीं माना, और उन्होंने भी विरोध में जो है असेंबली हॉल को छोड़ दिया कि तो फिर इस वोटिंग को, जिस व्यवस्था को तू चाह रहा है, राजा जो चाह रहा है, मोनार्क जो चाह रहा है, लुई 16 जो चाह रहा है, वो हम भी नहीं मानेंगे, और इन प्रोटेस्ट दे वॉक आउट ऑफ द असेंबली हॉल। ठीक है जी, कहानी यहां तक समझ आ गई। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या था, कि राजा जो है वो अपनी इच्छा से टैक्स नहीं लगा सकता था, पुरानी व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर, यही व्यवस्था चलती आ रही थी। हाँ, उसके लिए उसको एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल्स में कौन शामिल था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे। अब ऐसी जो मीटिंग थी पहले, जो टैक्स लगाने की जो व्यवस्था थी वो पहले हुई थी, ऐसी मीटिंग 1614 में हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं। अब स्थिति ऐसी थी कि राजा को टैक्स लगाने थे, और वो टैक्स का चार्ज तो जाहिर सी बात आपको पता है थर्ड स्टेट्स के ऊपर ही पड़ना था, लेकिन फिर भी स्टेट जनरल की मीटिंग उसको बुलानी पड़नी थी, और उसने फिर उस मीटिंग को बुलाया। बुलाया का 5 मई 1789 स्प्लेंडेड हॉल बुक हुआ, 300 मेंबर उसके फर्स्ट से, 300 सेकंड से, और 600 थर्ड स्टेट से शामिल हुए। पीजेंट्स आर्सन बीमेंस जो थर्ड स्टेट्स के वो नहीं आए, हालांकि उनके ग्रीवियंसेस डिमांड जो भी थे उनको लिस्टेड किया गया, और 40,000 लेटर इस प्रकार से लेकर वो उस हॉल में खड़े हुए। ठीक है जी, वोटिंग जो थी वो हर स्टेट्स को एक वोट मिला हुआ था पुरानी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन राजा इस बार भी उसी व्यवस्था को दोहराना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि मेंबर्स ऑफ जो थर्ड स्टेट्स थे, उन्होंने इस बार बोल दिया कि नहीं, सारी असेंबली की वोटिंग करवाई जाए, सभी मेंबर वोटिंग करेंगे, और हर मेंबर को एक वोट का अधिकार, वन पर्सन वन वोट होगा। और ऐसा जिगर जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम के बुक में रूसो ने भी किया था, जो उसने लिखी थी।
लेकिन इस प्रपोजल को किंग जो था, लुई 16 जो था, उसने रिजेक्ट कर दिया। और जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स जो थे वो उस हॉल को छोड़कर बाहर चले गए। दे वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली हॉल असेंबली इन प्रोटेस्ट। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको यहां तक आप अच्छे से कर लीजिए और फिर अगली कहानी जो है इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब हम वहीं पहुंचने वाले हैं जहां से आपका चैप्टर शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो हॉल छोड़कर आ गए। ठीक, तो यहां तक आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक्स।